नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसे मात्र कोई भी, कहने का मतलब कोई भी कर सकता है इस बिज़नेस को दोस्तों। बहुत ही शानदार बिजनेस लेके आया हूँ कि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे युवा साथी हो या बेरोजगार कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, आज अपने देश के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दोस्तों बढ़ रही है। अगर आप भी चाहते हो अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हो और कोई काम धंधे की दोस्तों अगर आप तलाश में हो तो आज की वीडियो आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। दोस्तों आज आपको एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ जिस पर अगर आप काम करेंगे तो वाकई में आप अपने एरिए में रह के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इसकी गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने एरिए में बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छा सा काम स्टार्ट कर सकते हो और वाकई में दोस्तों आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक प्रूफ भी आज देने वाला हूँ, क्योंकि प्रूफ इसलिए देना पड़ता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब तो कुछ भी बोल देते हैं, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इसके लिए मेरे को प्रूफ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको, ताकि प्रूफ भी दिखा सकूँ कि जो लोग इतने सालों बाद 25-25, 30-30 साल नौकरी करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ और मात्र जैसे उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो उनकी जो खुशियों के ठिकाने नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने हैं आपके, कुछ टारगेट है, आप कहीं नौकरी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपने एरिया में रह के आप पैसे कमा सकते हो। इसमें महिलाएं कर सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया पुरुष कर सकते हैं, कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, खाली आपके पास एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे अपना खुद का एक स्टार्टअप करना है, खुद का बिजनेस करना है। दोस्तों खुद का बिजनेस भले ही अगर आप 500 रुपये भी रोज कमाएंगे तो भी आपको एक सुकून देगा, एक तरक्की मिलने वाली है। आज 500 है तो कल 5000 भी होंगे, लेकिन अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं 20000 की भी, तो आप उम्मीद मत रखना कि कहीं आपको कभी 2 लाख कमा पाओगे। क्योंकि दोस्तों नौकरी में 20000 का 25000-30000 हो सकता है, कभी आपको 2 लाख के सपने भी नहीं आएंगे, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और आज के दिन नौकरी के अंदर आप खाली 2 टाइम का खाना खा सकते हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप बिजनेस में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिसने 25 साल की नौकरी करने के बाद स्टार्टअप किया और बहुत अच्छी खासी आज इनकम कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए वीडियो एक लाइक कर देना, चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट मिलवाता हूँ आज ऐसे शख्स से जो स्टार्टिंग किया है अपने स्टार्टअप को और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। चाचा जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताना है कि आपने स्टार्टअप कैसे किया, कितना पैसा लगा और आप इससे पहले क्या करते थे, ये सब चीज़ें आपको बताना है। तो नौकरी करता था। अच्छा, इससे पहले आप नौकरी करते थे? 27 साल नौकरी की है कंपनी में। अच्छा, कंपनी का केस चलने लगा तो 10000 एम्प्लॉय बेकार हो गए। तो दोस्त कौन सी कंपनी थी चाचा? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया में चाचा जी काम करते थे और अचानक नौकरी छूट गई इनकी और बहुत बेकार हालत हो गई घर की, जिस वजह से इन्होंने को ये 19 महीने की सैलरी भी कंपनी खा के बैठी है। दोस्तों सहारा को आप सभी लोग जानते होंगे और उन्हीं में से ये चाचा जी एक एम्प्लॉय थे। आप सूरत ऑफिस में काम करते थे? पांडे सर। हाँ, मतलब सूरत ऑफिस में आप काम करते थे। तो बहुत सारा इन्होंने इंतज़ार किया कि कैसे ही कैसे न कैसे चलो सैलरी आएगी इस महीने आएगी इस महीने, करते करते सैलरी नहीं मिली। लास्ट में घर की स्थिति जब बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक ही बहुत ही अच्छा सा एक खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया और आज अच्छा खासा बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। तो वीडियो में आपको पूरा बताएंगे आज कितना कमा लेते हैं, कैसे स्टार्ट किया। अगर आप भी दोस्तों अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, नौकरी के दलदल से बाहर निकल के अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और देखिए पहले आप गुजरात की सबसे फेमस ये डिश के नाश्ते में लोग इसको चाव से खाते हैं, क्या नाम है चाचा जी इसका? ये आलू पूरी। आलू पूरी है तो सबसे सबसे सस्ता यही नाश्ता है गुजरात का, तो सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों इसीलिए चाचा जी ने यही चुना कि बहुत सारे स्टार्टअप कर सकते थे लेकिन ऐसा किया। आप देखिए ये इन्होंने क्यों चूज किया, इसका रीजन यही था कि इन्होंने को पता कि ये आइटम तो 100% बिकेगा, इसमें कभी मंदी नहीं आएगी। क्योंकि वो बिजनेस करने में दोस्तों यही डर रहता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है और पैसे की समस्या रहती है कि अपने पास पैसा नहीं रहता है।
तो चाचा जी ने बहुत ही कम पैसे में ये बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मतलब कभी मंदी नहीं आती है। आप कस्टमर हमेशा मतलब कस्टमर आए रहेंगे आपके पास, एक एक दो दो, एक एक दो दो कस्टमर आएंगे आपका। दोस्तों अगर टेस्ट अच्छा रहा तो वाकई में आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो चाचा जी ने रेडी कर दिया है। दूसरी मेरी खासियत ये है कि रोज का ताज़ा ही माल बेचता हूँ, मतलब क्वालिटी बेचते हो, कहने क्वालिटी अनलिमिटेड नहीं रखता। तो चाचा जी का कहना है कि अगर आप क्वालिटी देंगे कस्टमर आपके पास रिपीट में आएंगे। एक बार कस्टमर आपको चलो ठीक है आ जाएगा खाने के, लेकिन दोबारा वो नहीं आएगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रही, अगर आपको अच्छे से आप क्वालिटी रही दोस्तों खाने में अच्छा रहा, तो आपके 100% कस्टमर रिपीट में आएगा। अगली बार आपके एक नहीं चार लोग आपके पास लेके आएगा। अमाउंट टू माउथ पब्लिसिटी होती है दोस्तों इस खाने की चीज़ में। तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। चाचा जी अभी पार्सल कर देंगे, उसके बाद चाचा जी से और पूछेंगे कि कितना कमा लेते हैं। अगर कोई नया आदमी अगर इस बिज़नेस को करना चाहे, अपने एरिया में कोई भी स्टार्टअप करना चाहे, तो क्या कर सकता है, कितना पैसा लगा सकता है। तो देखिए चाचा जी ने एक अच्छा सा प्यारा सा एक सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। सबसे ज़्यादा इनका ध्यान क्वालिटी पे रहता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ग्राहक आएंगे दोबारा। दोस्तों चाचा जी आप ये बताइए हमारे व्यूअर को, अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है नया अपना, तो बिजनेस से, बिजनेस और नौकरी में आपने दोनों नौकरी भी करके देख लिया, 20-25 साल का अनुभव आपका, आज आप बिजनेस कर रहे हो, तो किस में ज़्यादा खुशी है आपको? खुशी तो बिजनेस में है ही है, लेकिन बिजनेस में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप नुकसानी वाला माल बेचोगे तो हर रोज़ एक नया कस्टमर खोजना पड़ेगा, और अगर अच्छी क्वालिटी का माल बेचोगे तो रोज़ नया एक कस्टमर बनेगा। तो बिजनेस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, नौकरी से बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप टेंशन फ्री हो। आपको जैसे आप बोल रहे हैं चाचा जी का सहारा में लगभग 19 महीने की जो मेहनत थी इनकी दिन रात की, वो डूब गई। परिवार बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा था और आज यहाँ पे जितना भी कमा लेते हैं शाम को उनके घर पे पहुँच जाता है और हमेशा 24 घंटे इनकी जेब में पैसा रहता है। सबसे अच्छी दोस्तों यही बात है, चेहरे से आप देख पा रहे चाचा जी खुश हुए कि मतलब इनको कभी पैसे की कमी नहीं आती। कभी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की जरूरत है तो एनी टाइम घर पे पैसा रहता है। और जहाँ नौकरी करने के बाद इनको इनकी जो मेहनत की जो पैसा था वो भी दोस्तों डूब चुका है। तो आप भी अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। तो दोस्तों आपने चाचा जी की बातें सुन ली, आपको भी यकीन हो गया होगा कि नौकरी और बिजनेस में क्या फ़र्क है। क्योंकि नौकरी जहाँ इन्होंने 20-22 साल नौकरी किया और पिछले इनका जो 19 महीनों का इनको जो सैलरी थी वो भी नहीं मिल पाई, थक हार के इनका स्टार्टअप किया। दोस्तों यकीन मानो अगर यही इन्होंने स्टार्टिंग में किया होता, आज से 25 वर्ष पहले इन्होंने अपना स्टार्टअप किया होता, आज एक बड़े लेवल पे, बहुत ही सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे होते। ये होता है दोस्तों बिजनेस, क्योंकि बिजनेस आपको स्टार्टिंग से ग्रोथ देता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपके ग्राहक के साथ बात करने की सही रहेगी तरीका, तो आप बहुत ही अच्छे ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं। नौकरी में ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। तो मेरा कहने का, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने एरिया के अंदर, ये आपने गुजरात का वीडियो देखा, इसमें आप जैसे आप बिहार से देख रहे हो या आप कहीं से भी देख रहे हो, देश के कोई भी कोने से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, आप अपने एरिया के अंदर अपना जहाँ पे भी जो भी आपका लोकल फूड है जो सबसे सस्ता है, देखो नाश्ते के अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है। आपको क्या करना, अपना नया स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको कम से कम पैसे में स्टार्ट करना है, ताकि आपका पैसा ज़्यादा ना बिगड़े और आपको सीखने को मिले। आप एक स्टार्टिंग के तौर पर बिल्कुल आपका जो सस्ते सस्ता सिंपल से सिंपल नाश्ता है उसको स्टार्ट कीजिए। कोई ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से प्रेजेंट करिए। आपको जो चीज़ अच्छी बनानी आती है उसी को स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों यकीन नहीं मानो, बहुत ज़्यादा लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी, तो दूर दूर से आपके पास लोग आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक उम्मीद से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग एक बड़ी बड़ी उम्र के अंदर, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा आपने, आज 60-65 लगभग 60 साल की उम्र है उनकी, उनकी उम्र में 60 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप करके आज खुश है। तो सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस के अंदर 24 घंटे आपकी जेब में पैसे रहते हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आप खुश रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि अपने एरिया के अंदर आप अपने एरिया में रह के खुद का एक छोटा मोटा नाश्ते का स्टार्टअप कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा और अच्छा खासा दोस्तों आप पैसा कमाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, उसमें और फुल वीडियो आपको बना के दूंगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य रहता है कि मेरी वीडियो को देख के कोई भी मेरा बेरोजगार भाई, युवा भाई, गरीब भाई जो भी हो,
वो अपना एक खुद का स्टार्टअप कर सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर आप हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।